हेलो दोस्तों, आज हम आपको डेविड धवन सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। डेविड धवन सर ने 1989 में आई मूवी ताकतवर से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड रोल में आपको संजय दत्त, गोविंदा और नीलम शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल डेविड धवन सर की मूवी आई गोला बारूद। इस मूवी के लीड रोल में शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी तीसरी मूवी आई आग का गोला। इस मूवी के लीड रोल में सनी देओल, शक्ति कपूर शामिल थे। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1990 में डेविड धवन सर की मूवी आई स्वर्ग। इस मूवी के लीड रोल में राजेश खन्ना, गोविंदा और जूही चावला शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। इसी साल डेविड धवन सर की मूवी आई आंधियां। इस मूवी के लीड रोल में शत्रुघ्न सिन्हा, मुमताज और अनिल धवन शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1991 में डेविड धवन सर की मूवी आई जरूरत। इस मूवी के लीड रोल में कुमार गौरव और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1992 में डेविड धवन सर की मूवी आई शोला और शबनम और इस फिल्म ने भारत में 6 करोड़ कमाई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 करोड़ 70 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई बोल राधा बोल। इस मूवी ने भारत में कमाई की 4 करोड़ 70 लाख। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 50 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1993 में डेविड धवन सर की मूवी आई आंखें। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 85 लाख रहा। भारत में कमाई 24 करोड़ 13 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 24 करोड़ 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर ब्लॉकबस्टर रही। 1994 में डेविड धवन सर की मूवी आई राजा बाबू। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 23 लाख रहा। भारत में कमाई 15 करोड़ 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 करोड़ 26 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डेविड सर की एक और मूवी आई अंदाज। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 9 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ 89 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल डेविड सर की 12वीं मूवी आई इनमिन दीका। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 80 लाख रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ 72 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 89 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1995 में डेविड सर की मूवी आई कुली नंबर 1। इस मूवी का बजट 3 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 20 करोड़ 96 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 21 करोड़ 22 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डेविड सर की एक और मूवी आई याराना। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ 68 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ 8 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1996 में डेविड धवन सर की मूवी आई साजन चले ससुराल। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 23 करोड़ 34 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 करोड़ 61 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डेविड सर की एक और मूवी आई लोफर। इस मूवी का बजट 4 करोड़ रहा। भारत में कमाई 12 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12 करोड़ 57 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1997 में डेविड धवन सर की मूवी आई जुड़मा। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 23 करोड़ 39 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 24 करोड़ 28 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डेविड सर की एक और मूवी आई हीरो नंबर 1। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 30 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ 95 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डेविड सर की 19वीं मूवी आई मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 16 करोड़ 12 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16 करोड़ 75 लाख कमाई।
इसके साथ है मूवी सेमी हिट रही। 1998 में डेविड धवन सर की मूवी आई बनारसी बाबू। इस मूवी का बजट 5,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 9,56,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,90,00,000 कमाई। इसके साथ है मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डेविड सर की एक और मूवी आई घरवाली बाहर वाली। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 13,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15,02,00,000 कमाई। इसके साथ है मूवी एवरेज रही। इसी साल डेविड सर की 22वीं मूवी आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस मूवी का बजट 12,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 33,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 33,21,00,000 कमाई। इसके साथ है मूवी हिट रही। 1999 में डेविड धवन सर की मूवी आई बीवी नंबर 1। इस मूवी का बजट 12,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 43,74,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 49,81,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई हसीना मान जाएगी। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 25,65,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 27,16,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। सन 2000 में डेविड धवन सर की मूवी आई दुल्हन हम ले जाएंगे। इस मूवी का बजट 11,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 31,65,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 36,87,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई चल मेरे भाई। इस मूवी का बजट 14,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 19,69,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22,28,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डेविड सर की 27वीं मूवी आई कुवारा। इस मूवी का बजट 9,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 18,18,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 19,34,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 2001 में डेविड धवन सर की मूवी आई जोड़ी नंबर 1। इस मूवी का बजट 11,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 31,75,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34,13,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 13,43,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14,34,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2002 में डेविड धवन सर की मूवी आई हम किसी से कम नहीं। इस मूवी का बजट 19,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 19,79,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22,77,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई ये है जलवा। इस मूवी का बजट 8,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 8,93,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,88,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल डेविड सर की 32वीं मूवी आई शोर मचाए शोर। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 12,49,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 13,62,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2003 में डेविड धवन सर की मूवी आई एक और एक 11। इस मूवी का बजट 9,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 18,71,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,99,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 2004 में डेविड धवन सर की मूवी आई मुझसे शादी करोगी। इस मूवी का बजट 19,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 43,08,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 55,98,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2005 में डेविड धवन सर की मूवी आई मैंने प्यार क्यों किया। इस मूवी का बजट 15,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 37,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 47,22,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डेविड सर की मूवी आई शादी नंबर 1। इस मूवी का बजट 15,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 16,33,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20,49,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2007 में डेविड सर की मूवी आई पार्टनर्स। इस मूवी का बजट 28,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 84,57,00,000 हुई।
पूरी दुनिया में इस मूवी ने 100 करोड़ 91 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2009 में डेविड धवन सर की मूवी आई डू नॉट डिस्टर्ब। इस मूवी का बजट 30 करोड़ रहा। भारत में कमाई 23 करोड़ 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 27 करोड़ 89 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2011 में डेविड धवन सर की मूवी आई रास्कल्स। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रहा। भारत में कमाई 45 करोड़ 39 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 51 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2013 में डेविड धवन सर की मूवी आई चश्मे बद्दूर। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रहा। भारत में कमाई 57 करोड़ 74 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 62 करोड़ 80 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2014 में डेविड धवन सर की मूवी आई मैं तेरा हीरो। इस मूवी का बजट 41 करोड़ रहा। भारत में कमाई 71 करोड़ 82 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 78 करोड़ 45 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2017 में डेविड धवन सर की मूवी आई जुड़मा 2। इस मूवी का बजट 63 करोड़ रहा। भारत में कमाई 169 करोड़ 39 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 206 करोड़ 64 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2020 में डेविड धवन सर की मूवी आई कुली नंबर 1। इस मूवी का बजट 85 करोड़ रहा। भारत में कमाई 164 करोड़ हुई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2023 में डेविड धवन सर की आने वाली मूवी रघु राजा राम मूवी है। दोस्तों, आपको डेविड धवन सर की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।